जिन्होंने जीवन के करुण भाव को सहज अभिव्यक्ति दी। जो तुम आ जाते एक बार, जिन्होंने करुणा की अभिव्यक्ति को नए शब्द दिए। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ। जिन्होंने शब्दों को नए आयाम और नए आकाश दिए। मैं नीर भरे दुख की बदली। जिन्होंने हिंदी साहित्य के आकाश में आंसू से भीगे करुण गीतों के सितारे टांगे। तुम सो जाओ महादेवी वर्मा। व्यक्ति अपना सुख दुख कभी हो तो कभी नहीं, अपने सुख दुख की बात में जो रात दिन लगा रहेगा वो फिर बड़ी बात नहीं कहता। बेबाक, सजग, सहज, हिंदी साहित्य की एक अद्भुत प्रतिभा ममता मई महियसी महादेवी वर्मा। वो ऐसी ही थी, वो न सिर्फ अपने अधिकार के लिए लड़ना जानती थी बल्कि उन्होंने देशभर की महिलाओं को उनके अधिकार बताए, अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। महादेवी, जिन्हें आधुनिक हिंदी की मीरा के नाम से जाना जाता है, मन की निस्सीम पीड़ा और करुणा अगर किसी की कृति के साथ एकाकार हो जाए तो वो पूंजीभूत होकर मीरा हो जाती है, वो अमृता प्रीतम हो जाती है, वो रोजेटी हो जाती है, वो महादेवी वर्मा हो जाती है। अरे पिचकारी से मर भी गयो, क्या किया, साड़ी खराब कर दी। कोई बात नहीं, रहने दो, वैसे भी आज बच्चों का दुख की बदली। महादेवी जी को होली सबसे प्रिय थी। उन्होंने जीवन भर रंगों के इस उत्सव को बड़े चाव के साथ मनाया। घर पर खूब लोग आते और महादेवी जी सबको रंग का टीका लगाकर आशीर्वाद देती, स्नेह में भिगो देती। 26 मार्च 1907 वो रंगों का त्योहार होली का दिन था जब उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के कायस परिवार में 200 साल की प्रतीक्षा के बाद लड़की पैदा हुई। 7 पीढ़ियों के बाद लड़की के जन्म से उनके बाबा बांके बिहारी खुशी से झूम उठे और बच्ची को घर की देवी महादेवी बुलाने लगे। पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के कॉलेज में प्राध्यापक थे और माता हेमरानी देवी एक धर्मनिष्ठ गृहिणी थी। घर में पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों का माहौल सदा बना रहता था। अरे हमारी बिटिया क्या कर रही है? आपकी बेटी कविता लिख रही है। हाँ, अब हमारी बिटिया इतनी बड़ी हो गई कि कविता करने लगी। हाँ, क्या बात है, अब हमें भी सुनाओ क्या लिखा है। माँ के ठाकुर जी भोले हैं, ठंडे पानी से नहलाती, ठंडा चंदन इन्हें लगाती, इनका भोग हमें दे जाती, फिर भी कभी नहीं बोले हैं, माँ के ठाकुर जी भोले हैं। अरे क्या बात है बिटिया, हाँ? बहुत खूब। अच्छा इसके आगे कुछ लिखा है? महादेवी जी की शादी 7 साल की छोटी उम्र में 1914 में डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से हुई, मगर वो अपने माता पिता के साथ इलाहाबाद में ही रही जब तक उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की। 17 वर्ष की आयु में वो पति के पास गई, लेकिन संभवतः गृहस्थ जीवन उनके लिए था ही नहीं। वे गृहस्थ आश्रम छोड़ आई और दोबारा उस आश्रम की ड्योढ़ी पर कभी पैर नहीं रखा। उन्होंने सन्यासी जीवन जीने का निश्चय किया और जीवन पर्यंत इस निश्चय को निभाया भी। विडंबना देखिए कि रंगों के त्योहार होली के दिन पैदा हुई महादेवी ने जीवन में सिर्फ एक रंग अपनाया, सारे रंगों की आदिम पृष्ठभूमि का रंग, पीड़ा का रंग, सफेद रंग। उनकी कविताओं में भी एक तरह का अकेलापन नजर आता है, एक एकाकी पीड़ा झिलमिलाती रहती है। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला,
हास का मधुदूत भेजो, रोष की भू भंगिमा पतझार को चाहे सहेजो। ले मिलेगा और अचंचल वेदना जल स्वप्न शतदल, जान लो वह मिलन एकाकी विरह में है तुकेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। न सिर्फ साहित्य बल्कि विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि सफेद रंग में सभी रंग समाये हुए होते हैं। ऐसे ही महादेवी के भी कई रंग थे। पीड़ा को गीत कर देने वाली मीरासी महादेवी, स्त्री शिक्षा की मुहिम चलाने वाली क्रांतिकारी महादेवी, पशु पक्षियों के बीच खेलती और उनमें अपनी निजता का परिवार रचती शकुंतला सी महादेवी, कैनवस पर रेखा चित्र खींचती अमृता शेरगिल सी महादेवी। महादेवी हिंदी के उन गिने चुने लेखकों में से हैं जिन्होंने कविता के साथ साथ चित्रांकन में भी अपनी सर्जना की अभिव्यक्ति दी। यामा और दूसरी कई पुस्तकों में उनके खुद के उकेरे हुए चित्र हैं। इन चित्रों को देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि कला का यह क्षेत्र भी उनके लिए सहज ही था, सशक्त माध्यम था जिसमें महादेवी शब्दों की ही तरह सिद्धहस्त थी। निजी जीवन में महादेवी महात्मा बुद्ध से बहुत प्रभावित रही। व्यक्तित्व ही नहीं, कृतित्व की भी बात करें तो महादेवी की कविताओं में बुद्ध का सूत्र जीवन दुख का मूल है सदा प्रतिबिंबित सा होता दिखता है। एक बार तो महादेवी पूर्णकालिक भिक्षुणी बनने का प्रण लिए एक संत के पास चली भी गई थी, लेकिन सत्य को निरावरण अनुभव करने वाली महादेवी को वहां कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि उन्होंने अन्य मार्ग ढूंढने शुरू कर दिए। ये पर्दा कैसा? स्त्री से संवाद करते समय महाराज हमेशा पर्दा में बात करते हैं, यह इस आश्रम के नियम में है। नियम? भला ये कैसा नियम है? अगर योगी भी स्त्री पुरुष के भेद से मुक्त नहीं तो फिर मेरे मुक्ति का मार्ग क्या प्रशस्त करेगा? स्वामी जी, क्या यह बर्ताव उचित है? इस आश्रम में यही बर्ताव उचित है। ओह, तो इसका मतलब मैं अनुचित स्थान पर आ गई। कोई बात नहीं, हो सकता है आपका बर्ताव उचित हो। मैं चलती हूँ, प्रणाम। इसके बाद महादेवी ने किसी भी आश्रम से दीक्षा नहीं ली, लेकिन बुद्ध, गांधी और कविंद्र रविंद्र का प्रभाव उनके जीवन और उनकी कविताओं पर लगातार बना रहा। उन्होंने जिक्र किया है कि उनकी कविता में जो करुणा है और जो वेदना है उसका उत्स कहीं ना कहीं बुद्ध के दर्शन में है। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पथ पखार, जो तुम आ जाते एक बार। जो तुम आ जाते एक बार, हंस उठते पल में आर्द्र नयन, धूल जाता होठों से विषाद, छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिर संचित विराग, आँखें देती सर्वस्व वार, जो तुम आ जाते एक बार। कुछ अपनी और कुछ अपने आसपास की पीड़ा से बेचैन महादेवी कुछ सार्थक करना चाहती थी। ऐसे में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सलाह मिली राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रतीक पुरुष बन चुके सत्य के उस समय के पर्यायवाची पूज्य महात्मा गांधी से। कोई जरूरी तो नहीं कि सभी मेरी तरह सड़क पर उतरकर आंदोलन करें और तभी देश और समाज का काम करें।
आप तो ऐसे भी देश सेवा कर सकती हैं कि आप अपने साहित्य से समाज को ऊपर उठाएं और मूल्यवान बनाएं। गांधी जी का यह एक वाक्य महादेवी जी के लिए जैसे जीवन सूत्र हो गया। महादेवी ने अपना पूरा जीवन साहित्य और साहित्य के माध्यम से समाज कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। बिना अपने लिए कुछ मांगे, बिना अपने लिए कुछ चाहे। तुम सो जाओ मैं गाऊं, मुझको सोते युग बीते, तुमको यों लोरी गाते, अब आओ मैं पलकों में सपनों से सेज सजाऊं, तुम सो जाओ मैं गाऊं। प्रिय तेरे नभ मंदिर के मणि दीपक बुझे बुझे जाते, जिनका कण कण विद्युत है मैं से प्राण जलाऊं, तुम सो जाओ मैं गाऊं, तुम सो जाओ मैं गाऊं। पशु पक्षियों से उनका प्यार इतना गहरा था कि घर में कई तरह के जानवर आश्रय पाते थे, उनके नाम रखे जाते, लाड़ दुलार होता। इन पशुओं को पक्षियों को पूरे घर में घूमने की आजादी होती और सभी पालतू पशु पक्षियों को अपने परिवार के निजी सदस्यों की तरह ही रखा जाता। एक बार तो मुझे याद है उनकी एक कुतिया थी जो बहुत ज्यादा उनको लगाव था उससे, सोमा नाम की, और वो उसकी मृत्यु हो गई तो वो करीब 2 या 3 दिन उन्होंने खाना नहीं खाया था। महादेवी जी की कई रचनाओं के पात्र और कथानक भी इन्हीं मूक साथियों से बने, जैसे सोना कहानी जो उनकी पालतू हिरणी पर लिखी गई, नीलू की वो लोकप्रिय कथा जो उनके पालतू खरगोश पर लिखी गई, और गौरा की वह मर्मांतक कहानी जो उनकी करुणामयी गाय पर थी। इन कहानियों को बचपन में कोर्स के अलावा हमने बच्चों की कहानियों की किताबों में भी खूब पढ़ा है। महादेवी ने जीवन में जिससे भी प्रेम किया उसको अंत समय तक निभाया, चाहे वे प्रेम स्वयं की घनीभूत पीड़ा से हो, देश के प्रति अपने युग बोध से हो, पर्वतराज हिमालय से हो, अपने घर में खेलते गिल्लू सोना फ्लोरा से हो, या फिर अपनी बचपन की सहेली सुभद्रा से हो। सुभद्रा जी, आप बिल्कुल ठीक समझे, खूब लड़ी मर्दानी जैसी प्रसिद्ध कविता लिखने वाली लोक विख्यात कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान। इन दोनों सहेलियों का, एक तरफ वो लिखती थी सुभद्रा कुमारी चौहान वीरों का कैसा हो वसंत, और एक तरफ महादेवी जी थी ये मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। तो इन दोनों का एक जो कॉम्बिनेशन था, और ये दोनों साथ साथ बड़ी हो रही थी, लेकिन जो सहेलापा होता है वो अप्रतिम था। महादेवी जी को जीवन में जहां एक ओर सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी सहेली मिली, वहीं दूसरी ओर महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत जैसे दिग्गज कवि भाई भी मिले, जिनसे महादेवी जीवन भर जुड़ी रही। उन्हें जो भी भा जाता वो उनके जीवन का हिस्सा बन जाता। अपने ऐसे सभी संबंधों का शब्द चित्रण महादेवी जी ने अपनी 2 किताबों में पथ के साथी और मेरा परिवार में किया है, जरूर पढ़िएगा। एक बार तो जयशंकर प्रसाद जी की स्मृति से इतनी विवल हुई कि कलकत्ता जा रही थी ट्रेन से, रास्ते में बनारस स्टेशन देखा और ट्रेन से झट उतर गई और पहुंच गई प्रसाद जी को ढूंढते ढूंढते सुंगनी साहू की गली। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप खुद चलकर मेरे घर आए। अच्छा एक बात बताइए, का मायने में आपके कथानक ऐसे क्यों हैं जो बहुत सूक्ष्म है? देखिए, ज्यादा नाटकीय कथा अपने दर्शन के साथ जोड़ना मोड़ना मुश्किल है। खैर वो छोड़िए, आप बताइए कोई नई रचना है, उसमें से एक हाथ कविता हमें सुनाइए। जी, अभी कुछ दिन पहले ही लिखा है, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी, नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में, प्रलय में मेरा पता पदचिन जीवन में, शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, कुल भी हूँ कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, दीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी,
भीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, भीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिम जल के, शून्य हूँ जिसके बिछे हैं पावड़े पल के, पुलक हूँ जो पला है कठिन प्रस्तर में, हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में, हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में। नील घन भी हूँ सुनहली दामिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी। महादेवी जब इलाहाबाद में थी तो नेहरू परिवार से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। खुद जवाहरलाल नेहरू ने बहुत मानते थे और जवाहरलाल नेहरू जी की दोनों बहनों के साथ महादेवी की बहुत अच्छी मित्रता थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी महादेवी को बहुत इज्जत देती थी। इंदिरा जी ने उन्हें पहली बार गुरुदेव रविंद्र के विश्व भारती विश्वविद्यालय में देखा था और तभी से इंदिरा जी के मन में महादेवी के प्रति अपार आदर था। जीवन में इतने सारे मधुर संबंधों के बावजूद महादेवी में एक तटस्थता है और आत्मानंद से भरा हुआ एक भाव है जो उन्हें हर्ष विषाद से दूर रखता है। वो इतने प्रभावशाली परिवारों के नजदीक रहीं, लेकिन उनमें कभी एकाकार नहीं हुई। महादेवी जब काशी महिला विद्यापीठ में थी तब वे क्रांतिकारियों के संपर्क में थी। यहां तक कि कई बार उन्होंने क्रांतिकारियों को अपने परिसर में सभा करने की जगह भी दी, लेकिन वो स्वयं कभी भी किसी आंदोलन का प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं रही। जब स्वाधीनता आंदोलन की लहर चल रही थी तो उनका घर, उनका विद्यापीठ क्रांतिकारियों की शरण स्थली भी थी। क्रांतिकारी आके छुपते थे उनके यहाँ। और श्रृंखला की कड़ियाँ जैसी कृति जिसमें उन्होंने स्त्री के स्वाभिमान और संघर्ष को रेखांकित किया है, आज स्त्री विमर्श पर तमाम बातें होती हैं, लेकिन आज से इतने वर्ष पहले उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं जो लगता है कि वो अपने समय से आगे हैं। देखें तो महादेवी में मीरा जैसी एक अद्भुत तटस्था थी जो उन्हें स्थिर रखती थी। सांसारिक बंधन महादेवी को घेरने की कोशिश करते तो महादेवी कुछ समय के लिए प्रकृति की गोद में जाकर बैठ जाती। उन्हें हिमालय बहुत प्रिय था। अपने चारों तरफ की निजी, सामाजिक, राजनीतिक बेचैनी में इतनी विह्वल स्थिरता अन्यत्र दुर्लभ है जो उनके साहित्य का भी हिस्सा बन गई है। महादेवी के हिमालय प्रेम में भी शायद ये ध्यानस्थ अस्तित्व से निकले पीर भरे गीत जैसे कुछ झरने हैं। धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंत रजनी, तारकमय नववेणी बंधन, शीश फूल कर शशिका नूतन, रश्मि वलय सित घन अब गुंठन, मुक्ताहल अभिराम बिछा दे चितवन से अपनी, पुलकती आ वसंत रजनी, धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी। मर्मर की सुमधुर नूपुर ध्वनि, अलिकुंजित पद्मों की किंकिणी, भर पद गति में अलसतरंगिणी, तरल रजत की धार बहा दे, तरल रजत की धार बहा दे, मृदु स्मित से सजनी विहसती आवसंत रजनी। महादेवी ने अपने साहित्यिक जीवन में हर तरह के चरम छुए। वो 1935 में प्रसिद्ध क्रांतिकारी पत्रिका चांद की संपादिका रहीं। चांद के बहुत प्रसिद्ध हुए और ऐतिहासिक अंक विदुषी अंक की संकल्पना और संपादन उन्होंने ही किया। साहित्य के प्रति उन्होंने अनवरत साधना की और समाज के साथ साथ साहित्य में महिलाओं की भागीदारी की भी लगातार वकालत करती रहीं। 1933 में पहला कवित्री सम्मेलन करा के उन्होंने देश में अखिल भारतीय कवित्री सम्मेलनों की नींव रखी। साहित्यकारों के कल्याण के लिए उन्होंने साहित्यकार संसद जैसी एक संस्था की स्थापना की जहां साहित्यकार सुरक्षित रूप से अपना जीवन
व्यतीत कर सके। हालांकि आगे चलकर साहित्यकारों की परस्पर अकारण ईर्ष्या और स्पर्धा का शिकार होने के कारण साहित्यकार संसद ज्यादा समय तक न चल सका, लेकिन महादेवी जी ने अपनी कोशिश जारी रखी। महादेवी प्रयाग महिला विद्यापीठ की पहले प्रिंसिपल और फिर वाइस चांसलर रहीं। महादेवी को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से और 1988 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। इन सब के बीच प्रकृति और प्रकृति के स्त्री तत्व से उनका प्रेम यथावत बना रहा। महादेवी पर कविंद्र रविंद्र का बहुत प्रभाव था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से भी जब एक विदेशी पत्रकार ने पूछा था कि आप इतने अच्छे गीत कैसे रच लेते हैं, तो रविन्द्र ने कहा था कि मेरे अंदर एक विरहिणी स्त्री निवास करती है, वह रो देती है और मैं उसके रुदन को गा देता हूँ, गीत स्वतः हो जाते हैं। संभवतः ऐसा ही कोई विचार महादेवी का भी रहा होगा जब उन्होंने प्रकृति को स्त्री रूप में शब्दाकृति दी। प्रकृति को अपने मानवीय रूप में अनुभव करके उसका रहस्यवादी चित्रण महादेवी से पहले बहुत कम देखा गया। रूपसि तेरा घन केश पाश, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केश पाश, नब गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात, रूपसि तेरा घन केश पाश। इन स्निग्ध लटों से छा दे तन, पुलकित अंगों से भर विशाल, झुक सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल, दुलरा देना बहला देना, यह तेरा शिशु जग है उदास, रूपसि तेरा घन केश पाश, रूपसि तेरा घन केश पाश, रूपसि तेरा। 11 सितंबर 1987 को 80 वर्ष की अवस्था में महादेवी जी ने अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन जब जब दूर क्षितिज के पार खड़ी कोई नीर भरी दुख की बदली अपने परिचय और इतिहास के क्षणिक बोध को स्वयं की सार्थकता बताएगी, तब तब महादेवी के गीतों, कहानियों, ललित निबंधों भरी राखी हिंदी की शब्द चेतना से रोमांचित हर पाठक की कलाई पर सुख और सार्थकता का भरोसा बनी पाई जाएगी। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं क्षितिज भी कोटि पर घिर धो मिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरे, नव जीवन अंकुर बनने कली, मैं नीर भरे दुख की बदली, मैं नीर भरे दुख की बदली, मैं नीर भरे दुख के। But